शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बीच आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से जहां पर देश में बड़ा मॉन्की पॉक्स का खतरा। जी हां, जानकारी मिल रही है दिल्ली में एक और संदिग्ध केस मिला है। संदिग्ध मरीज विदेश की यात्रा करके लौटा है और संदिग्ध को LNJP अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। संदिग्ध के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। देश भर में मॉन्की पॉक्स के अब तक 4 मामले, अभी सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है और अब ये एक और संदिग्ध जो मामला निकलकर सामने आया मॉन्की पॉक्स का, ये इस वक्त की बड़ी खबर। देश भर में मॉन्की पॉक्स के अब तक 4 मामले निकलकर सामने आए हैं, सभी राज्यों को अलर्ट किया गया है। अब तक देश में 4 मामले और अब ये एक और मामला जो कि अभी संदिग्ध है, क्योंकि जो इसके सैंपल है वो जांच के लिए भेजे गए हैं। तो मॉन्की पॉक्स को लेकर WHO द्वारा पहले ही एमरजेंसी जो है वो इसको सचेत किया गया है तमाम देशों को और सभी को अभी LNJP अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। संदिग्ध के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, दिल्ली से आ रही है। तो देश भर में मॉन्की पॉक्स के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं, सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, मॉन्की पॉक्स का खतरा लगातार पैर पसारता जा रहा है, अब तक 4 मामले थे लेकिन अभी एक और मामला जो कि अभी संदिग्ध है, जांच सैंपल के लिए जो सैंपल है वो जांच के लिए भेजे गए हैं। देखिए बिल्कुल, मॉन्की पॉक्स का ये संदिग्ध मामला दिल्ली में एक और मिलता हुआ नजर आया है। हालांकि फिलहाल LNJP अस्पताल में इस शख्स को जो है भर्ती कराया गया और इसका जो जो सैंपल है वो पुणे की जो लैब है वहां पर भेजा गया है। इस व्यक्ति के बारे में जो जानकारी अभी मिल रही है वो ये कि इस व्यक्ति का विदेश का जो रिकॉर्ड है वो भी देखने को जो है मिलता हुआ नजर आया है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरीके से 3 मामले जो है केरल में इस मंकी पॉक्स के देखने को मिलते हुए नजर आए थे और एक मामला दिल्ली में LNJP अस्पताल में ही जो है मॉन्की पॉक्स का भर्ती देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो ये सैंपल जो गया हुआ है पुणे की लैब में, वहां से जो है कुछ समय बाद इस सैंपल की जो पुष्टि है वो होती हुई नजर आएगी और उसके बाद आधिकारिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो मंकी पॉक्स का मामला वाकई है या फिर ये सिर्फ संदिग्ध है। लेकिन फिलहाल एक और संदिग्ध जो है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया है। फिलहाल इस संदिग्ध को आइसोलेशन में जो है रखा गया है, लोगों के संपर्क में ना आए ये भी सुनिश्चित जो है LNJP अस्पताल जो है करता हुआ नजर आ रहा है। जी स्पर्श आए, क्योंकि इसकी जानकारी ये नहीं है कि कैसे फैल रहा है, किस वजह से फैल रहा है, इस पर अभी भी जांच पड़ताल जो है वो यहाँ पर चल रही है और साथ ही इसको लेकर कोई अभी तक वैक्सीनेशन जो है वो भी नहीं बनी है। लेकिन अभी क्योंकि खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है दिल्ली में, 2 केसेस अब अगर कुल मिलाकर अगर इसमें भी पुष्टि होती है तो निकलकर सामने आएंगे, दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है? देखिए पूरे जो है इस मामले पर नजर बनाए हुए है दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं और एक डेडिकेटेड अस्पताल भी जिसमें LNJP की बात करें उसको यहां पर जो है कर दिया गया, एक अलग से वार्ड जो है इसको जो है डेडिकेटेड कर दिया गया है। जो भी संदिग्ध होता है या फिर जो भी मरीज निकल कर सामने आता है उसका वहीं पर इलाज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर्स हालांकि इस पर निगरानी पूरी तरीके से बनाए हुए हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये जो है तेजी से फैलता नहीं है जितनी जो है सोचा जा सकता है या फिर इसके साथ साथ कहें कि उतना इसमें मृत्यु दर जो है देखने को मिलती हुई नहीं नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे करके अब अचानक मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और चूंकि एक मामला दिल्ली का ऐसा भी था जो पहला मामला था जिसमें विदेश हिस्ट्री जो है उस शख्स की नहीं थी, तो ऐसे में ये किस तरीके से उस तक पहुंचा ये भी चीजें जो है जानने को लेकर डॉक्टर जो है लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।